नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स क्लास 12th लेसन नंबर 3, उत्पादन तथा लागत। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। हम हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हल कर रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं। तो उन सारे वीडियोस को जो मैंने अभी तक डाले हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 और 2 के, तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। अगला है, स्थिर लागत को कहते हैं, 4 ऑप्शन है, जैसे परिवर्तनशील लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत या अल्पकालीन लागत। तो ऑप्शन नंबर 3 है, पूरक लागत, ये इसका आंसर रहेगा। एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती, कभी भी, दीर्घकाल में, अल्पकाल में, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है, अल्पकाल में, ये इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है ना, कुल उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है। तो इस ये थोड़ा डिस्प्यूट टाइप का है, ये आप अपने सब्जेक्ट टीचर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करें और सही आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो ये भी डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है, मीन्स जो थोड़े से डाउटफुल टाइप के क्वेश्चन हैं उन पर स्टार लगा हुआ है, तो आप इनको देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, जैसे भूमि और भवन पर व्यय, प्लॉट एवं मशीनरी पर व्यय, स्थाई आकस्मिक श्रमिकों की लाइसेंस फीस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया गया, स्थाई आकस्मिक श्रमिकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो ए डिस्प्यूट टाइप क्वेश्चन, है ना, जैसे उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में कौन सी लागत पाई जाती है ना। इसका आंसर मेरे हिसाब से तो स्थिर लागत होना चाहिए, लेकिन इसको फिर भी आप थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इट इज आल्सो डिस्प्यूट टाइप क्वेश्चन, वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये है, ऐसे में 12 इकाई की उत्पादित करने की कुल लागत होगी। तो इसको भी आप हल करके इसका सही आंसर मुझे कमेंट्स करेंगे। अकॉर्डिंग टू यू, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन किया जा सकता है, तो अल्पकाल में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। सॉरी, अगला है, इसमें शुरुआत में रिक्त स्थान है, तो इसका आंसर होगा सीमांत, लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र आयताकार अति परवलय होता है, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको एज ए होमवर्क आंसर इसका कमेंट्स करना है। अगला क्वेश्चन है, कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को लागत कहते हैं, तो परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है, तो ये इसका आंसर भी आप कमेंट्स करके बताएंगे। अगला है, स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर होता है, तो कुल लागत के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील 2 साधन बताइए, कमेंट्स करके बताएंगे। सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान है, तो वो यू अक्षर के समान है, यू, ओके। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है। ठीक है, होमवर्क फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें सही जोड़ियां बनाना है, जैसे औसत आगम का संबंध है TR/Q, औसत आगम वक्र तो इसका संबंध है मांग वक्र से, कुल आगम TR का संबंध है सीमांत आगम का योग से, TFC वक्र का संबंध है एक्स अक्ष के समांतर, और AC और MC का संबंध है यू आकार से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही कुल लागत से ज्ञात की जा सकती है। अगला है, पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है, तो यह असत्य है। अगला है, पूर्ति का संबंध लागत से होता है, तो यह असत्य है, पूर्ति का संबंध कीमत से होता है।
ये इसका सही होना चाहिए। वस्तु की कीमत का पूर्ति पर अधिक प्रभाव पड़ता है, तो सत्य है। कुल लागत, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है, तो ये सत्य है। औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला वाय के समान होता है। अगला है, साधन के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है। मोड़ घुमाव के बिंदु से क्या आशय है। परिवर्तनशील अनुपातों की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। दीर्घकाल में उत्पादन लागतों को समझाइए। अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है, क्यों। अगला है, यदि कुल स्थिर लागत शून्य है तो औसत परिवर्तनशील लागत कितनी होगी और क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या स्थिर लागत कुछ लंबे समय तक बनी रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं लिखिए। क्या दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधन स्थिर हो सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों, स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की किस अवस्था को अपनाया जाना चाहिए और क्यों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर अपने तर्क देते हुए टिप्पणी कीजिए। जैसे उत्पत्ति स्थिरता नियम, एक वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में सीमांत लागत पर परिवर्तनशील लागत का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूचनाओं से कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन ज्ञात कीजिए। जैसे श्रमिकों की संख्या दी गई है और औसत, तो ये आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है, एक विवेकशील उत्पादक अल्पकाल में किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद कर पाता है। एक उत्पादन फलन हास मान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन है Q=5L, है ना, 2^1/2 अधिकतम संभावित निर्गम निकालिए, जिसका उत्पाद फर्म कर सकती है 100 इकाइयां L तथा 100 इकाइयां K द्वारा। अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, क्या आप सहमत है तो क्यों है। क्या यह आवश्यक है कि जब AC गिरे तब MC भी गिरे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो था, क्लास 12th इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र के अध्याय 3 के क्वेश्चन बैंक को हमने हल किया है। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो कमेंट्स करें। दूसरी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हम आपके लिए लेकर आते हैं और डेली वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन सब्जेक्ट के वीडियोस भी यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, सभी की मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, तो वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।